हादसे को लेकर करणी सेना ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश व्यापी प्रदर्शन की चेतावनी। उज्जैन, विगत 21 नवंबर को इंदौर रोड तपोभूमि चौराहे पर हुए निजी ट्रेवल्स की बस द्वारा बाइक सवार ट्रेनी पटवारी ऋतुराज सिंह व अनिल शर्मा को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जिसको लेकर आज करणी सेना ने पुलिस कंट्रोल पर आज एसपी सचिन अतुलकर को ज्ञापन सौंपकर बस ड्राइवर व मालिक पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। इंदौर रोड पर हुए सड़क हादसे, बस ड्राइवर व मालिक पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन व मांग की तेज गति दौड़ती बसों की जाँच की जाए, बिना स्पीड कंट्रोल डिवाइस की बस पर कार्रवाई की जाए। करणी सेना चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 7 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो करणी सेना प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। रिपोर्टर राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने अपने एसपी साहब को सौंपा है कि 21 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 पटवारियों की डेथ हुई है, जिसमें से 1 पटवारी की तो एक दिन पहले ही शादी हुई थी, मतलब 24 घंटे में उसकी शादी को नहीं हुआ था, शाम को सिस्टर की बारात आ रही थी। और जो घटना के जो फुटेज सामने आए, जो घटना का हम लोगों को तस्वीर ने बताया है, उसमें एक चीज़ है कि बस पूरी आउट ऑफ कंट्रोल थी और पीछे से अगर टक्कर मारी जिससे घटनास्थल पर दोनों की मौत हुई है। तो हम लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है कि बस मालिक ड्राइवर के ऊपर 304 में मुकदमा दर्ज करें और गैर हत्या का मुकदमा उस पर दर्ज हो, साथ ही परिवार को मुआवजा राशि दे, नियुक्तियाँ नौकरी शासकीय नौकरी उनको दे। अगर ऐसा शासन प्रशासन नहीं करता है, साथ ही बसों की जांच वाँच नहीं करता है, तो हम लोग 7 दिवस के अंदर सारे रोड जाम करेंगे। कंडीशन इसके लिए तैयार है और जो घटना है पूरा प्रदेश पूरा देश जिसने भी सुना है कहीं ना कहीं अंदर से दुखी है। हम लोग परिवार का दर्द तो नहीं बांट सकते, लेकिन आगे दोबारा किसी के साथ ना हो इसलिए हम लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है। एसपी साहब ने बोला है आगे क्या रूप रहेगा, अभी एसपी साहब ने बोला है कि 304 में उसका घटन दर्ज होगा, साथ ही जितनी भी बसें हैं सब पे स्पीड कंट्रोल और उनकी जांच की जाएगी, उसके कागज की जांच की जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो 7 दिवस का हमने समय दिया है, उसके बाद उज्जैन के आसपास जितने भी रोड हैं हम लोग जाम करेंगे और किसी भी बस को जाने नहीं देंगे। और साथ ही करणी सेना ने आज चालू ही कर दिया है, हम लोग हर बस में आज जाकर समझाइश दे रहे हैं पूरे प्रदेश में। साथ ही सवारी अगर ज़्यादा है तो उनसे निवेदन कर रहे हैं कि दोबारा सवारी ज़्यादा ना पाई जाए और स्पीड कंट्रोल में रहे, नहीं तो हम लोग सबक सिखाएंगे। हाँ, बसों से गुंडागर्दी की जा रही है, लेकिन करणी सेना सबसे निपटने में सक्षम है और पूरे प्रदेश में अगर प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो हम लोग अपने लेवल पर उसको निपटाएंगे।